हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, तो जिसमें जिस तरह से उसमें क्वेश्चन होंगे, जैसे कि रूट फाइव, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के उसमें क्वेश्चन होंगे और मोस्टली ज्यादातर बच्चों को इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज वो सारे कन्फ्यूजन हम खत्म करेंगे और देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से उन क्वेश्चन को करने का तरीका। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि अनुरूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, एक चीज बता दूं मैं आपको पहले कि अगर हम ये मान लें कि अनुरूट पांच एक परिमेय संख्या है और हम अपने ही कथन को गलत सिद्ध कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसी बेस पर ये सारी पूरा क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, इसी बेस पर होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ओके, माना अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। ठीक है, यानी कि जो दिया गया है उसके विपरीत हमने ले लिया है। अंडर रूट पांच को हम a अपॉन b एक सह अभाज्य संख्या से प्रदर्शित करें तब। ठीक, यानी कि अंडर रूट पांच को हम एक सहभाज्य संख्या a अपॉन b से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि a अपॉन b क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां देखेंगे सहभाज्य का मतलब और समझा दें आपको कि सहभाज्य ऐसे दो नंबर जो आपस में एक दूसरे से कैंसिल ना हो, यानी कि जिनका कोई उभयनिष्ठ कोटनखंड ना हो। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम सहभाज्य संख्या। तो यहां देखेंगे अंडर रूट फाइव इक्वल a अपॉन b। ठीक है, तो यहां पर अब यहां देखेंगे कि b डिवाइड का नंबर है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा b रूट फाइव इक्वल a। ठीक है, अब दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक है, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि रूट की संख्या पे से रूट हट जाएगा। तो यहां पर अब ये देखेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन फाइव। ठीक है, यानी कि यहां पर ये दिखा रहा है कि जो ए स्क्वायर है वो पांच से विभाजित है। ठीक है ना, जो ए स्क्वायर है वो पांच से विभाजित है। तो यहां देखते हैं हम, चूंकि ए स्क्वायर पांच से विभाजित है तब a भी पांच से विभाजित होगा। ठीक है, जब a स्क्वायर पांच से विभाजित है तो a भी पांच से विभाजित होगा। अतः पांच a का एक गुणनखंड है। ठीक है, पांच क्या है, a का एक गुणनखंड है। तब a इक्वल फाइव सी लेने पर, ठीक है, जहां c क्या है, जहां c इक्वल एक पूर्णांक है। ठीक है, c क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहां रखेंगे, ठीक है, ये 5c, जहां a है वहां 5c रखेंगे, तो ये हो जाएगा। तब यहां पर यानी कि b स्क्वायर इक्वल a की जगह में क्या रखना है, 5c, तो 5c और स्क्वायर लगाए तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा फिर b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25
और सी का स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, और ये अपॉन में 5, 5 से 25 कैंसिल हो जाएंगे 5 टाइम, तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये बच्चे हैं 5 सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम कि सी स्क्वायर इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो बी है, यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, यानी कि यहां पर लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब बी भी 5 से विभाजित होगा, कर्म हो जाए, ठीक, तो 5 से विभाजित होगा, अतः 5 बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, अतः 5, अतः 5 बी का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि ए का जो फैक्टर थे, ए के फैक्टर थे 5, ए का एक जो गुणनखंड था वो भी 5 था, और बी का एक गुणनखंड था वो भी 5 था, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था कि एक सहभाज्य संख्या है। अब इस चीज का, यानी कि हमारा जो कथन है उसका विरोध हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ए का और बी का दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो है 5, तो ये इस हिसाब से फिर ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो अनरूट 5 को हमने इससे डिनोट किया था, तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो अनरूट 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहां लिख दें, देखो ए व बी के अभाज्य गुणनखंडों मैं 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब a अपॉन b एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तब अंडरवुड 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अंडरवुड 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अभी तक यहाँ तक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपका मिस ना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको भी पूरा, यानी कि इसकी थ्योरी है वो पहले क्वेश्चन की तरह होगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक बार फिर से। इसका सॉल्यूशन है, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो दिए गए कथन के विपरीत है, ठीक है, तब इसे a अपॉन b एक
सह अभाज्य संख्या से प्रदर्शित करते हैं तब, ठीक है। तो देखते हैं इसे, यानी कि होगा क्या, यानी कि 3 + 2√5 इक्वल है a अपॉन b, ठीक है। ये जो है यानी कि इसको अपने परिमेय संख्या मान लिया है, तो ये a अपॉन b भी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3 को उधर लेके जाएंगे, तो 3 यहाँ प्लस का है उधर जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाता तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ बचे जाएंगे 2√5 इक्वल a अपॉन बी माइनस 3, ठीक है। अब इधर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बी, और ये हो जाएगा a माइनस 3b, ठीक है। 3 को b का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये रहे 2√3। तो अब यहाँ से 2 को भी पचंद्र करेंगे, तो यहाँ बचे जाएगा √5 इक्वल ये हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है। ये अब इसमें देखेंगे, अभी इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उसमें हमने देखा था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और देखें कि यहाँ a और b हमने क्या माने थे, पूर्णांक, ठीक है। तो चूंकि a b, ठीक है, 2 और 3 सभी पूर्णांक हैं, तब a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध होता है, ठीक है। यानी कि a b ये वाला भी 2 और 3 क्या है, एक पूर्णांक है, जबकि √5 एक पूर्णांक नहीं है, और जब √5 पूर्णांक नहीं है तो ये इसका मल्टीप्लाई या एड किसी में भी करें तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहां तक ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने अभी कुछ जो क्वेश्चन किए थे, सेम उसी की तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें इन सभी संख्याओं को हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो यहां पर अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, फर्स्ट वाला लेंगे, ठीक है, 1/2 वाला, ठीक है, 1/√2। तो यहां पर इसको ले लें कि ये वाला, तो इसको लिख लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है, ठीक है। इसे a अपॉन बी एक सह अभाज्य संख्या से प्रदर्शित करते हैं तब, ठीक है। तो सेम अभी जैसे किया था वैसे ही होगा, 1/√2 इक्वल a अपॉन बी, ठीक है। यहां तो ये हो जाएगा, यहां से इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो b इक्वल हो जाएगा a√2, और √2 में बताया कि √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, जबकि भले ही a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम, a व b पूर्णांक हैं, परंतु √2 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तब 1/√2 एक
परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, अर्थात वन अपॉन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लैंग्वेज पूरी यही रहेगी, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो आप करके देखेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और यहां तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।